चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आपका नाम? धर्मेंद्र तोमर। धर्मेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप अभी? सर मैं ड्राइवर हूँ पैसे से। तो अभी काम बंद रहा होगा लॉकडाउन में? तो काम बंद हो रहा जी, 9वां महीना लग गया। घर पे हूँ जी, ठाली हूँ, बेरोजगार हूँ बिल्कुल, कोई कमाई नहीं है। कमलेश जी क्या लगते थे आपको? बड़ी भाभी थी। इनका देहांत हुआ जी 23 अगस्त में जी। उम्र ऐसी थी जी 42-43 साल उम्र होगी उनकी। ये किडनी पेशेंट थी सर, दोनों किडनी डैमेज हो गई। कैसे इलाज कैसे चल रहा है? इलाज सर पहले तो प्राइवेट ही कराया, जितना भी मतलब दम था परिवार में वो सब खत्म हो गया था। लास्ट में आके फिर यहाँ बागपत कराने लगे थे, वहाँ पे सुविधा नाम चारे की थी बस। दवाई वगैरह जितनी भी थी सब बाजार से आती थी, डायलेजर जो था वे लगाते थे, लेकिन उसमें क्या था जितना वो चल रहा उसे चलाते थे। ऐसा नहीं था कि 2 बार करी 3 बार कर दी वो हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ी ये प्रॉब्लम भी थी, जैसे हम बाग पर डायलिसिस कराते हैं 5 बेड है और हम थोड़े लेट हो गए तो किसी और का नंबर आ जाएगा। हमारा मरीज वहाँ 3-3 घंटे पड़ा रहा था, इतने वो उसके कितना भी दर्द हो रहा कुछ भी हो रहा मतलब वो वहाँ पड़ा, वहाँ ना तो उसके लिए कोई बेड था, बस धरती में पड़ा जी। ये दिक्कत ही दिक्कत थी सर उसमें, आराम तो कुछ था नहीं। बीमारी तो जी मेरी 32 साल पहले तो एक गुर्दा निकल गया था, उस पर कैंसर बन गया था। तो उसके निकलने के बाद फिर अचानक बीमारी पड़ेगी शुगर की, शुगर से हो गया फिर गुर्दे में डिफेंट आ गया, एक ही गुर्दा है। कुछ टाइम तो कही मैंने मेरठ से दवा बेंद्रा प्रसाद के यहाँ से, करीबन वहाँ के खर्चा 3,000 रुपये का एक भर के जाने का होता, 700 रुपये उसके फीस के और 1,000-2,000 रुपये की दवा। फिर जी डायलिस का आ गया लंबर, 4 लाख रुपये का खर्चा मैक्सिमम आ गया था। फिर उसके बाद हमें पता लगा हैदराबाद में कुछ थोड़ी सहूलियत है, वहाँ करा लो, फिर हम उसमें चले गए। फिर उसके बाद जी फिर जब अमन यूँ दिखने लगा अक्के यूँ तो जो भी है घर तर भी बिकने का लंबर आ गया, तो हमने फिर बागपत ही कराया था। बागपत पता लगा अक्के यहाँ से फ्री होगी, तो वहाँ का जी खर्चा 500-700 रुपये किराए भाड़े का आ जाता, और वहाँ लगे थे 2,000-3,000। सर ये जो किडनी जब खराब हो जाती है तो उसके डायलिसिस का खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना आता है, सरकारी में कितना आता है? देखिए सरकारी में जो डायलिसिस है वो बिल्कुल फ्री होती है जी, उसका कोई खर्च नहीं होता। और जहाँ तक मेरी जानकारी है प्राइवेट में 4,000-6,000 रुपये तक पर डायलिसिस का खर्चा। डायलिसिस कराने एक महीने में डायलिसिस आदमी को कितनी बार करानी होती है? ये तो डिपेंड करता है कि किडनी कितनी खराब है।
अगर किडनी थोड़ा बहुत काम कर रही है तो ड्यूरेशन बढ़ जाता है, और किडनी बिल्कुल ख़राब हो जाती है तो कभी कभी तो मरीज को 3 दिन बाद भी कराना पड़ता है, 4 दिन बाद भी कराना पड़ता है। तो ये कोई वो नहीं कह सकते हम कि उसको कितने दिन बाद में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा नाम सोनी है, मेरे पति बहुत बीमार है, एक साल हो गया उन्हें बीमार को। फर्स्ट टाइम में जी हम जीटी में लेके गए थे, जीटी हॉस्पिटल में उनकी 2 बार डायलिसिस हुई, फिर वे कहने लगे जी इनकी या तो किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ या फिर डायलिसिस पे रखो, और हमारा इतना हिसाब नहीं था कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं। डायलिसिस पे भी हम कभी किसी की लिफ्ट के साथ जावें, कभी किसके साथ जावें। यह है कि मेरे हस्बैंड के ना ब्लड के इंजेक्शन में नहीं लग पा रहे, मैं उन्हें अच्छी तरह देखभाल भी नहीं कर पा रही, उन्हें अच्छी तरह खाने के लिए भी नहीं दे पा रही, जिससे वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे। बस ये है कि पैसों की दिक्कत से उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो पाया जी, हम सरकारी में दिखा रहे हैं, उन्हें सरकारी में कहना वो इलाज नहीं मिल पा रहा उन्हें। आज सरकारी में भी लॉकडाउन की वजह से हम एम्स में नहीं जा पाए, अब उनका इलाज कहीं नहीं चल रहा।